नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी से चली श्रमिक एक्सप्रेस। भिवानी में दादरी जिले के 1200 श्रमिकों को पहुंचाया जाएगा उनके घर तक। 22 घंटे की यात्रा के बाद पूर्णिया पहुंचेगी श्रमिक एक्सप्रेस। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। भिवानी जिले में लंबे समय से अपने घरों को बाट जाने की बात जो रहे श्रमिकों को आखिरकार आज श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। भिवानी जिला के प्रशासन के सहयोग से 1200 के लगभग श्रमिकों को आज सुबह 11 बजे भिवानी रेलवे स्टेशन पर श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से उनके घरों तक रवाना किया गया। ये सभी लोग 22 घंटे की यात्रा के बाद बिहार के पूर्णिया जिले में पहुंचेंगे। भिवानी व दादरी जिलों के 1200 श्रमिकों को बिहार के इस ट्रेन के माध्यम से भेजा गया है। ये सभी भारी श्रमिक लगभग बिहार जिले से हैं। बिहार में एक पूर्णिया जिला पड़ता है और उसके साथ साथ लगते 8 जिलों के श्रमिक हैं जो लंबे इंतजार में थे कि कब उनके घर तक उन्हें पहुंचाया जाए। भिवानी जिले के 500 श्रमिक इसमें शामिल हैं तथा 700 अलग अलग जगह से और दादरी जिले के हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी ट्रेन को सैनिटाइज किया गया। श्रमिकों को रास्ते में फूड पैकेट भी दिए गए, पानी की बोतलें भी उनको दी गई, साथ में सैनिटाइज करने का सारा सामान भी उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ साथ ट्रेन की टिकट भी निःशुल्क सरकार की तरफ से मुहैया करवाई गई। आप देख रहे हैं पर्पल भिवानी से विशेष रिपोर्ट। मोड़ी से चरखी दादरी आए रात को, तो वहाँ से हम लोग को सुबह में बस से बैठाया गया, तो बहुत सुरक्षित से हम लोग को यहाँ पे लाया गया भिवानी जंक्शन पे, और यहाँ से हम लोग को एक स्पेशल ट्रेन पे हम लोग को बैठाया गया और ये ट्रेन पूर्णिया तक जाएगी जहाँ तक हम लोग का सफर है। आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें, पानी, टिकट सब मुहैया करवाया गया? जी सर, हम लोगों को खाने पीने के लिए सारा कुछ व्यवस्था अच्छा से किया गया और हम लोग को अच्छा से खाना पीना तो दिया और इसके बाद अच्छा स्पेशल ट्रेन पर बैठाया गया और ये ट्रेन पूर्णिया तक जाएगी। कैसा महसूस हो रहा? काफ़ी दिन हो गए जद्दोजहद में थे, घर जाने की, घर वापसी करने की बार बार। सर अच्छा महसूस हुआ ये तो। कहाँ आपका घर, कहाँ पर है? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिले में ही? यस। कैसा लग रहा है घर पहुँच रहे हो आप, अपने घर पहुँच रहे हो, अपने वतन घर पहुँच रहे हो? तो बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि हम अपना बिहार जा रहे हैं। यहाँ क्या काम कर रहे थे? आज सीजन में से गेहूँ काटने के लाए थे। पुलिस की किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, किस तरह के तरीके से जो है श्रमिकों को गाड़ियों के अंदर बिठा रहे हैं, कितने श्रमिक जो है वो रहते हैं? देखिए, व्यवस्था तो आप सभी देख ही रहे हैं और इन श्रमिकों को यहाँ से पूर्णिया भेजा जाना है। दादरी से और भिवानी से हमने माइग्रेंट्स को इसमें बिठाया है। सभी के पानी की, खाने की व्यवस्था अच्छे तरीके से की गई है और सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम हैं। ये सभी इनको टिकट भी सरकार की तरफ से ही मुहैया कराए जा रहे हैं और ये लोग अपने घर जाना चाहते थे। जो नहीं जाना चाहते उनसे विलिंग लेके जो उनको यहाँ काम मिल गया वो यहीं पर काम कर रहे हैं। मतलब इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से गाड़ी की करवाया जाए, क्या क्या हिदायतें जो है कमेटी को दी गई हैं? जी, सोशल डिस्टेंसिंग का हर एक गाड़ी में एक डिब्बे में 27 लोगों को हमने बिठवाया है ताकि एक पैटर्न उनका रहे बैठने का, और साथ ही मास्क और हैंड ग्लव्स और बाकी जो सैनिटाइज की चीज़ें हैं वो सभी भी अवेलेबल करवाई गई हैं। किसी तरीके की अगर समस्या आती है तो वो लोग किसी भी समय में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Yeah.